नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का अन्नपूर्णा सर्विसरी सुमन की रसोई में स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिश बनाने जा रहे हैं, ये हम लोग चुकंदर का हलवा बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है और सेहत के लिए वैसे भी चुकंदर बहुत फायदेमंद है। इसका सलाद खाइए, जो चीज आप बना खाए ये बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने बिल्कुल ताजा, हम लोग के गाँव में तो खेत से तुरंत ताजा उखाड़ के लाते हैं लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 चुकंदर लाए, इसको धो लिए हूँ और इसको धोने के बाद मैं इसको पूरा छील करके और इसको हम लोग कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है और ये मैंने 3 ठो कद्दूकस किया। इसमें आप जो कलर का व्हाइट देख रहे हैं, एक मेरा व्हाइट चुकंदर था, तो मैंने बोला कि ये तो व्हाइट है, बोले कि नहीं नहीं आप बनाइए, व्हाइट और लाल दोनों चुकंदर होता है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने चुकंदर लिया 3 ठो, उसको छील के कद्दूकस करके ले लिया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने बिल्कुल फुल क्रीम 500 ग्राम दूध लिया है और यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच देसी घी लिया है और यहाँ पे चीनी मैंने 1 कटोरी लिया है। इसके लिए जो हमें कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए, आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है, नारियल का यहाँ पे बुरादा लिया है, यहाँ पे 5 से 6 हरी इलायची ली है और मैंने थोड़े से बादाम काट लिए हैं। आपके पास काजू वगैरह हो, जो हो जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस जला दिया है और ये जो चुकंदर है, अभी अब इसमें घी वगैरह नहीं डालेंगे, पहले हमने सारे चुकंदर को इसी में डाल दिया है और थोड़ा सा इसको हम लोग इसी कढ़ाई में भाप द्वारा, जैसे इसको हम लोग ढक देंगे चला करके और 4 से 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही चला करके कुछ देर तक छोड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुलायम हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद तो हम इसमें घी वगैरह डालेंगे। अब इसको हम लोग चला देते हैं और चलाने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा ढक देंगे, गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसको ढक देंगे। अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी 1-2 सीटी लगाकर आप अपनी सहूलियत से इसको उबाल सकते हैं। तो अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए ढक देते हैं और तो अब हम ढक्कन हटा करके फिर अपने चुकंदर को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए चुकंदर हल्का हल्का इसमें पानी छोड़ रहा है, तो फिर हम लोग इसको एक बार चला करके ऐसे, ताकि ये थोड़ा सा हमारा चुकंदर उबल जाए, क्योंकि हमको इसका हलवा बनाना है। तो चुकंदर में हल्का सा एक थोड़ा सा हल्का सा इसमें एक अलग स्वाद आता है, तो उसके लिए मैं इसका पानी ऐसे जला रही हूँ जिससे कि हमारे हलवे में वो स्वाद न आए। और वैसे तो चुकंदर बहुत ही फायदेमंद होता है सेहत के लिए, तो मैंने इसको एक बार चला दिया है, फिर मैं इसको ढक दे रही हूँ। इसको हम लोग ढक्कन लगा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो चुकंदर है वो बढ़िया से उबल चुका है और ये थोड़ा अगर गलेगा तभी अच्छा लगता है इसका हलवा, नहीं तो नहीं लगेगा। वैसे तो इसको बेहतर रहेगा कि अगर हम लोग कुकर वाले कम समय में ये बन जाता है जल्दी से। तो अब इसका पानी भी थोड़ा जल चुका है और अब इसमें मैं डालूंगी घी, क्योंकि मैंने बिना घी के ही इसको ऐसे रख दिया था भाप द्वारा, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए और मुलायम, जिससे कि हमारा जो चुकंदर है ना ये बिल्कुल गला जैसा दिखने लगे। तो अब इसमें मैं डालूंगी घी, जो कि मैंने देसी घी यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच लिए थे, मैं वो डाल दे रही हूँ। और हलवा में घी डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून देंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़िया आ जाएगा, जो इसमें हल्का हल्का चुकंदर तो ऐसे भी मीठा होता है पर इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अजीब सा तीखापन का स्वाद आता है। मीठा में भी वो अलग स्वाद होता है, थोड़ा सा इसमें एक अलग सी खुशबू भी आती है, तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, पर घी डाल के हम जब भून देते हैं ना तो वो खुशबू घी के द्वारा खत्म हो जाती है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है और इसको हम लोग 2-4-5 मिनट बढ़िया से इसमें भून लेंगे और बीच में थोड़ा सा इसको दबाते चलेंगे जिससे कि बिल्कुल गला टाइप में इसमें दिखे हमारा चुकंदर। तो अब हमने इसको भून लिया है, अब इसमें मैं घी डाली हूँ, इसके बाद स्वाद अनुसार आप मीठा कर सकते हैं और चीनी भी डाल के मैं चीनी को भी ऐसे ही गला कर पहले चीनी भून लूंगी, इसके बाद जो दूध डालूंगी ना तो दूध हमारा फटेगा नहीं, तो इसीलिए मैं पहले चीनी को भी बढ़िया से इसी में भून ले रही हूँ और जो थोड़ा सा चीनी का जो पानी इसमें गलने के बाद हुआ है थोड़ा सा इसको भी हम लोग भून लेते हैं, तब इसमें हम लोग दूध मिलाएंगे।
तो यहाँ पे हमारी चीनी भी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है गल करके इसमें, और ये जो हमारा चुकंदर का हमने कद्दूकस के पीस का हलवा का तैयार किया था वो भी अब बेहतर तरह से गल चुका है इसी में। तो अब जो हमने आधा लीटर ये फुल क्रीम दूध दिया था तो वो मैं इसी में डाल दे रही हूँ। अब इसको हम लोग तब तक भूनना है जब तक कि हमारा बिल्कुल ही गाढ़ा ना हो जाए और गाढ़ा होके हलवा बढ़िया से तैयार ना हो जाए, और इसको हम लोग को चलाते रहना है। अगर आप चाहें तो इसी दूध को हल्का सा रबड़ी की तरह भून के भी डाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप मावा भी लेकर के मार्केट से डाल सकते हैं, और नहीं फिर तो जो दूध है आप उसी से इसको भून के बना सकते हैं। तो मैंने ज्यादा दूध डाल दिया है, मैंने आधा लीटर के ऊपर इसमें दूध मिला दिया है और वो भी फूल के। अब इस दूध को हम लोग को भूनते रहना है। तो यहाँ पे हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, अब थोड़ा सा इसको हम भून देंगे तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट हलवा तैयार हो जाएगा। और अब ये दूध खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत लाजवाब है, बहुत हेल्दी है। तो अभी थोड़ा सा और इसको हम लोग भून लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा हलवा रेडी हो चुका है, और अब इसमें हम लोग डाल देते हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा हम सूखा नहीं करेंगे, ज़्यादा सूखा करेंगे तो ये थोड़ा टाइट पड़ने लगता है, लेकिन आपको अभी को सूखा नहीं करना है हमको। अभी हमारा परफेक्ट एक तरह से हलवा तैयार है, और अब इसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर, और थोड़ी सी हम इसमें किशमिश डाल देते हैं, और थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा हमने कटे हुए बादाम डाल देंगे, थोड़े से नारियल को भी मैं डाल दे रही हूँ। और अब इसको हम लोग चला देते हैं, और ये बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी बहुत ही लाजवाब हमारा चुकंदर का हलवा तैयार है। और अब इसको हम लोग गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अलग बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। अब इसको हम लोग बर्तन में निकाल लेते हैं यहाँ पे हलवा को, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया और कितना टेस्टी लाजवाब हमारा चुकंदर का हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा लाजवाब चुकंदर का हलवा बनके रेडी हो चुका है। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएं, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को हमारे बनाने का तरीका और हमारा डिश कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।